हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ ज्योति मोदी केयर प्रोडक्ट है अर्थ फेस पैक विद नीम एंड रोज मैरी सेंसिटिव एंड एक्नी प्रॉन्सिन एंड सेकेंड वन इज श्लोका रेंज डी टैन फेस रिव्यू का वीडियो आपके साथ शेयर किया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियोस देखने के लिए तो आपको लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जरूर देखने को मिलेंगे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे आई एंड वीडियो के एंड होते हुए भी आपको फोर लिंक्स दिखेंगे तो आप उनको क्लिक करके करेंगे रिव्यू को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था मुझे काफी कमेंट्स भी आए थे नीम रोज तो नीम एंड रोज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर आपके जितने भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसको ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देता है और आपके पिपल्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं उसके जो स्पॉट्स होते हैं उसको भी क्लीन कर देता है बट मुझे कमेंट भी आया था कि उनके स्पॉट्स क्लीन नहीं हुए तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ इसका रेगुलर यूज करने से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक या दो यूज से आपको नहीं मिलेगा अगर आपका पिंपल कितना पुराना है वो स्पॉट कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा अगर आपका पिंपल एक महीने का है तो आपको बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा बट आपका पिंपल एक या दो साल पुराना है और पिंपल्स आपके ही नहीं रहे स्पॉट्स आपके पुराने हैं तो ऑब्वियसली आपको इसका इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा मोदी तो केयर के किसी भी प्रोडक्ट को ले लो आप स्किन केयर से रिलेटेड आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद में घर में पेस्ट बनाया होम मेड पेस्ट और आपने अपने फेस में अप्लाई कर दिया और मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा हार्श हो रही है जो है वो है श्लोका रेंज का डी टैन फेस पैक तुलसी एंड क्लोव तो इसका भी मैं आपको छोटे से इसके बारे में बता देती हूँ और कैमरा बिल्कुल भी फोकस नहीं ले रहा है इस पर और कोई बात नहीं आपको पिक्चर यहाँ पर दिख जाएगी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें डी टैन प्रॉपर्टीज होती है आपकी आपका जो एक शेड डार्क हो गया है ना उसके लिए लेयर को रिमूव करेगा और आपका एक शेड लाइटर करेगा क्योंकि आपका जितनी भी सनबर्न की वजह से एक शेड डार्क हो जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? सिक्स मंथ की है टू मंथ की है वन ईयर की है टू ईयर की है या फाइव ईयर्स की है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हो वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक तो आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे बिकॉज़ ये नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं ना वो इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं इंस्टेंट आपको रिजल्ट देते हैं बट आपकी स्किन को हार्म भी पहुँचाते हैं केयर को मैंने ज्वाइन किया है और इसके ज्वाइन करने के आपको जीरो पैसा लगता है आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है प्रोडक्ट्स लेते हो ना उसमें आपको टेन टू ट्वेंटी परसेंट का ऑफ मिलता है तो आपको ये फायदा हो जाता है कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर फाइव हंड्रेड है फोर हंड्रेड है तो आपको टेन टू ट्वेंटी परसेंट का ऑफ मिलता है तो आपको फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ तो ऐसे ही मिलता है तीसरा बेनिफिट यहीं पर केमिकल फ्री आपको प्रोडक्ट आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचेगा अगर आप जैसे मैंने अपने स्किन में मैं स्किन केयर काफ़ी फॉलो करती हूँ मैं मेकअप बिल्कुल यूज़ नहीं करती बट स्किन केयर मैं बहुत ज़्यादा यू फॉलो करती हूँ स्किन केयर से ही आपकी स्किन जो होती है फ्लॉलेस लगती है आपकी स्किन बहुत हेल्दी लगती है और अंदर से ग्लोई लगती है तो अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो ना फिर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेकअप करने की क्यों क्योंकि आपकी स्किन तो अंदर से ग्लोई लग रही है अंदर से हेल्दी लग रही है लोग आपको पूछेंगे कि आपने अपने फेस में क्या मेकअप किया है कौन सी क्रीम लगाई है क्यों क्योंकि आपका फ़ेस ग्लो कर रहा होता है शाइन कर रहा होता है तो मेरी आवाज़ इतनी ख़राब आ रही है मुझे काफ़ी लोग पूछ लेते हैं बाहर कि मैं अपने फेस में क्या लगाती हूँ कि कौन सा मेकअप लगाती हूँ वो ये नहीं पूछते स्किन केयर में मैं क्या फॉलो करती हूँ वो ये पूछते हैं कि मैं अपने फेस में क्या मेकअप लगाती हूँ क्या फाउंडेशन लगाती हूँ या कौन सी फेंडेस क्रीम लगाती हूँ वो मेकअप में पूछते हैं स्किन केयर नहीं पूछते क्योंकि उनको लगता है मैंने मेकअप कर रखा है बट नहीं कर रखा होता है मोदी के बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो उससे फायदा लेना चाहते हो सीरियसली है तो और बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं इस चीज से तो आपको उन लोगों को देख के ना एक मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने आप को ना इस मोदी केयर से जुड़ने से रोक ही नहीं पाओगे ऊपर जब फ्री में है तो किसका क्या जाता है इन दोनों प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन के लिए मैं इन दोनों को हाफ ऑफ फेस पे अप्लाई करूँगी और फेस का कंपैरिजन करेंगे ये नेचुरल क्ले से है और इसका तो मैं फुल डेप्थ रिव्यू मैं जो कर चुकी हूँ ना वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो और ये वीडियो उनके लिए पहली है तो आप उसे ज़रूर चेक करना पैक, नीम एंड रोजमेरी फ्रूट ऑफ द अर्थ का तो इसका जो मेन वर्क था वो ये कि की प्रॉब्लम रहती है, रहती है स्टार्ट हो जाती है तो आपका ये जड़ से उसको रिमूव करता है बिकॉज इसमें नीम एंड रोजमेरी है जो एंटीसेप्टिक होते हैं साइड लगाया था श्लोका डिटैन फेस पैक तुलसी एंड क्लो तुलसी एंड लॉन्ग के इंग्रीडियंट्स हैं इसमें तो इसका जो मेन वर्क होता है वो आपकी डिटैनिंग को रिमूव करने के लिए होता है आपका एक शेड लाइटर करने के लिए होता है और जैसे ही मैंने इन दोनों को अप्लाई किया अपने फेस में तो एक कूलिंग सेंसेशन हुई इनकी जो स्मेल है ना एकदम फ्रेश स्मेल है कोई भी गैस कर लेगा ये इसके अंदर क्या मिक्स किया गया है जो नेचुरली वर्क करता है आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कूलिंग सेंसेशन हुई ठंडा ठंडा फील हुआ रिलैक्स हुआ पूरा फेस जितना भी टेंशन होता है स्ट्रेस्ड होता है वो सारा रिलीज हो जाता है आपका बाहर छूमंतर हो जाता है और आपका फेस हेल्दी दिखने लगता है तो आपको दिखाई दे रहा होगा सो so या yeah, ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो आपको पता चले कि आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक यूज़ करना है या श्लोका का डिटैन फेस पैक यूज़ करना है तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपना फेस पैक चूज़ कर सकते हो अपनी स्किन की जिस जो भी आपके भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप फेस पैक चूज कर सकते हो okay. मेरे टिल देन बाय